हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन इन एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे, आइए क्वेश्चन देखते हैं। द एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹70,000। एक साल का ही प्रॉफिट दिया है और वो भी बताया जाता है कि 70,000, इंक्लूडिंग ₹3,000 पर एनम रिसीव्ड एज ए इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। 3,000 जो है वो नॉन ट्रेडिंग इंटरेस्ट है, वो इंक्लूड है 70,000 में। द फॉलोइंग हैज एक्सेप्शंस, रेंट पेड इन द पास्ट फॉर टेम्पररी प्रीमाइसेस एट ₹1,000 पर मंथ will have no longer। यानी कि rent paid जो है वो ₹1,000 वो अभी देना नहीं पड़ेगा, तो जो profit है वो profit में addition हो जाएगा ₹1,000, क्योंकि उसमें उसकी वजह से profit कम आ रहा था। उसके बाद number 2, salaries of ₹10,000 per annum paid in the past will increase by 20% in the future। जो सैलरी है वो सैलरी 10,000 है और उसमें 20% इंक्रीज करना है, तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले गुडविल वैल्यूएशन में तीन बातें हैं, एवरेज, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो दिया गया है बाद में देखेंगे, उसके बाद में उसमें से डिडक्ट करना है नॉन ट्रेडिंग इंटरेस्ट। नंबर 3, उसमें से और जो एडिशन करना है वो है रेंट। नंबर 4, डिडक्ट करना है 20% इंक्रीज सैलरी। और नंबर 5 जो है आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली परचेस ईयर। ये जो है ये तीनों पार्ट, ये इसमें से हमें माइनस करना है, तीनों पार्ट इसमें से माइनस करना है। तो आइए देखते हैं। एक तो पहले बताया प्रॉफिट, एवरेज ये है 70,000। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि नॉन ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो नॉन ट्रेडिंग में आ गया। तो नॉन ट्रेडिंग जो इनकम हो या कुछ भी हो वो हम उसमें ऐड नहीं कर सकते, तो जो ऐड हुआ है उसे माइनस करना है, डिडक्ट नॉन ट्रेड इंटरेस्ट। नॉन ट्रेड इंटरेस्ट कितना है? 3,000। ये कितना हुआ? 67,000। उसके बाद में हमें जो है वो बता गया कि रेंट पेड इन द पास्ट फॉर टेम्पररी प्रीमाइसेस एट ₹, जो पास्ट में ₹1,000 रेंट पे होता था वो अभी पे नहीं करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से ₹1,000 प्रॉफिट कम आ रहा था अभी वो ₹1,000 प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो इट इज अ एडिशन, विल बी नो लॉन्गर कहा गया है और ये प्रॉफिट बढ़ाता है।
add to rent paid no longer. ये हो गया 1000 68000 कितना 68000 सॉरी इसमें पर मंथ यानी कि इतने 1000 इंटू 12 मंथ ये हो गया 12000 79000 और उसके बाद में हम देखेंगे एक बात और माइनस करना है डिडक्ट 20% इंक्रीज सैलरी बिजनेस में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनकी सैलरी बढ़ रही है तो उसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो कम आएगा अभी डिडक्ट 10000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 ये हो गए 2000 ये 2000 जो क्या होंगे डिडक्ट हो जाएंगे कितना हो जाएगा फिर 77000 ये क्या हुआ ये हुआ नेट प्रॉफिट और ये जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट हमको क्या करना है नंबर ऑफ परचेस ईयर से मिलाना है सो क्वेश्चन के लास्ट में दिया है कैलकुलेट गुडविल एट 3 ईयर परचेस वैल्यू ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया अभी देखना है परचेस ईयर सो गुडविल एवरेज नेट प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर एवरेज नेट प्रॉफिट है 77000 इनटू 3 साल बताए हैं 2,31,000 सो ये आपका गुडविल हो जाएगा तो इसमें सिर्फ एक ही साल दिया है और एक ही साल में हमें क्या करना है कुछ वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा कुछ वजह से प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये हमें प्लस और माइनस करना है और बाकी जो अमाउंट आएंगी उसको हमें क्या करना है नंबर ऑफ परचेस ईयर के साथ मिलाना है तो वो मिलाने के बाद 2,31,000 आपका रिजल्ट आ जाएगा इट इज अ आंसर सो क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है